अपनी सोच सही रखा करो। आप मेरे बारे में अगर सही नहीं सोच रहे हो, कम से कम मैं तो हर किसी के बारे में भला सोचता हूँ। ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। मेहताब, आपने इनके खिलाफ वोट किया होगा? नहीं सर। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों सोचा? भाई अपने अपने थिंकिंग की बात है। आपने किसको वोट आउट किया? इनको नहीं किया, ये पक्की बात है सर। जाते जाते किसी को कुछ कहना चाहोगे, किससे बच के रहे, कौन यहाँ पर ज्यादा धोखेबाज है, कौन ड्रामेबाज है? बस लड़कियों से बच के रहे, इनके चक्रों में ना है। ये दिखाती कुछ और है, करती कुछ और है। इनके ऊपर होगा किसी लड़की के ऊपर तो अगले शो में तीनों लड़के बाहर होंगे। जी यहाँ पे कोई भी गेम नहीं खेल रहा है। जो फैक्ट लगा हमने उस बेस पे किया, यहाँ हम सियासत करने नहीं आए हैं। और जो हमें लगा डेयरिंग है उसका हमने नाम नहीं लिखा। कल एक यहाँ पर है लड़की है, वो मुझसे कह रही थी कि यार कल प्लीज मुझे वोट आउट करो क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और उसने मुझे नहीं, तकरीबन हम सब लड़कियों को कहा है। कौन लड़की है जो जाना चाहती है? नाजिश, बिकॉज कल बहुत कुछ हुआ। मैंने सिर्फ एक शायद जज्बाती हो के बोला क्योंकि मैं देख रही, पहली बार मैं घर से बाहर आई हूँ और इस तरह का माहौल देख रही हूँ। एक अजीब सा, ठीक है डेयरिंग मैंने करनी है वो मैंने करनी है, लेकिन ये जो बातें हो रही थी एकदम जज्बाती हो के डर गई। मैंने कहा यार ये लोग आपस में ऐसे कर रहे हैं क्योंकि ये डेयर करने हैं, दोस्त बने दुश्मन बने क्यों ऐसा कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा लगा ऐसे। मैंने यार अगर किसी को करना हो ना वोट आउट तो मुझे करना। फिर उसने बोला नहीं यार ऐसे नहीं, जाना है आपको शो से तो आप जा सकती हैं। नहीं मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन उस वक्त शायद मैं थोड़ी जज्बाती हो गई। किसी और को इन तीनों से कुछ कहना है, कोई चीज क्लियर करनी है? नहीं, आप तीनों शो से जा सकते हैं। पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाली है भाई। दस वोट आउट हुए हमारे अगेंस्ट, सारी लड़कियों ने हमारे अगेंस्ट वोट आउट किया। नौ लड़कियां, तीन लड़के, आप वो 12 लोग हैं जो लिविंग ऑन द एज का ऑफिशियली हिस्सा आप बन चुके हैं। आप डेयरिंग हैं, आप 12 लोग हैं जो कभी ना कभी अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पब्लिक आपको वोट करके वापस बुला सकती है। अभी तक जो सबसे डेयरिंग लोग हैं वो मेहताब, अली और जहगम है, क्योंकि उन्होंने डेयर्स किए हैं। अब इन लड़कियों की पॉलिटिक्स से तुम कैसे बचोगे ये मैं नहीं जानता। अब आपके लिए एक और ब्रेकिंग न्यूज है। प्लीज शाका, प्लीज शाका, अब नहीं, अब कोबरा साके दे गई हमें। आज रात कोई डेयर नहीं होगा, आप लोग अपने अपने कमरों में वापस जाएंगे, आराम से तैयार होंगे क्योंकि आपके लिए लिविंग ऑन द एज की एक पार्टी वेट कर रही है। आपसे एक घंटे बाद दोबारा मिलेंगे। जब हम लोग अपने रूम्स में गए तो हम लोग इतने ज्यादा खुश थे कि हमने जल्दी जल्दी सब लड़कियां अपनी अपनी तैयारी में लग गई। परफ्यूम वर्फ्यूम मारेंगे, बाल बाल बनाएंगे और एकदम जबरदस्त लगेंगे। पार्टी की जब हमें तैयारी का बताया था, इट वॉज क्वाइट फन के सारी जो है पार्टी की तैयारी में लग गई थी, के मतलब ड्रेसेस में ड्रेसेस चेंज हुए जा रहे थे। इट्स वेरी कूल। जो हमें ड्रेसिंग करनी थी हम देखी बहुत मजे से, ठंड थी लेकिन पार्टी थी तो लाइक हमने पार्टी के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग की। काश सर को मैं बहुत कम उनको अप्रिशिएट करता हूँ और उनका अब बंडल ऑफ थैंक्स, अब मिलियन बिलियन ऑफ थैंक्स टू वकार जक्का कि बिल्कुल उनके घर में इस तरह से आके लग रहा है कि वी आर फीलिंग एट होम हियर। भाई तुम देखो हम तीन है वो नौ है, हर बंदे को तीन दिन मिल रहे हैं। अगर मैंने अपना हाँ तीन ये सर की तो गले मिलने वाली बात है। Got feeling.